पंद्रह दिन शादी हो रेल मार गरिया करे लग गए वो बस से बाबू के धाका मार के अंगना में निकाल के मारत गरिया उतर हर समय हम अपने इज्जत कर लिए हम चूचप चपड़ी बाबू चूचप चप रह हम बाद में हम बुला लेम हम ना जनी हमारे बाबू के मार के मुआ दिलो मुला पर से कोई देखो तन सुआ के सब मरल रु त ग में चिन्ह उखड़ गई रहुए करिया करिया हो गल बा बाही में देही में आ हे गला दबा दिले बा रस्सी से कि रस्सी से दबौले बा तो हे दब सब गला में करिया इतना हलहल गई रुवे अवरी डेढ़ लाख रुपया मांगत तो हम चान दही अ ते अवरी चाही ओह खतरा मार के हमारे बाबू के बालो हो दादा हे पर मरल बालू कस के हे गिपल बालो हो दादा रात भर में कांड हो गु आ प्रेग्नेंट भी हा चार महीना के उनका पेट में बच्चा भी रहा नमस्कार आप सबके बहुत बहुत स्वागत बात झलको गोपालगंज में इस समय हम गोपालगंज जिला के जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू विशुनपुर गांव में पहुंचल बानी और गांव से एगो काफ़ी बढ़ल समस्या और काफ़ी बड़ा घटना निकल के सामने देखे मिलल बा गांव के एक लड़की बड़ी जौन शादी भर लग कोनवा मोड़ कोुआ बोर्ड जर की गोपालगंज थाना क्षेत्र के अंदर में पड़ेला एजा से शादी भरल चार पांच महीना पहले उनका शादी भरला और उनका ससुराल वाला जोन बाकी काफी बेरहमी से उनका के मार करके कर के उ मौत के घाट उतार दे बालो इ जोन भी सारा बयान इनका घर परिवार के यानी मायके के लोग हरा के बते बतेल बोने हम, हम सब के बताओ तनि अभी उनका घर पर हम पहुंचल बन सारा घटना के बारे में जानकारी लिए लिये कि आखिर घटना हो होकेगा गई अभी हमारा साथे वो लड़की के मम्मी बाड़ी उनका से सारा बात जौन बाकी घटना के बारे में जानकारी

हमारे बाबू के धाका मार के अँगना में निकाल के मारत गड़िया उतरे हर समय हम अपने के लिए हम चू चप बाबू चूचप रह हम बाद में हम बुला ले हम ना जानी हमारे बाबू के मार के मुँह धीलो बाबू भागह के कहि तल के मुँह धुवेलो आ दहेज खतरा यौरी कैले बाल हमारे बाबू के पाँच लाख दय रहे तीन लाख दिला बानी दूगो चैन बानी दूगो अंगठी दिला बानी आ अथी दिले बानी हई मतलब आगे। आगे। तो और सब सामान मतलब सोफा ऊपर सब फर्नीचर गाड़ी ओड़ी सब दिले बानी चैन भी दिले बानी बानी मांगत अरी डेढ़ लाख रुपया मांगत तो हम चैन दे चाही ओह खतरा मार के हमारे बाबू के मुंग बाल हू दादा हे पर मरल बालो के हे गा टीपल बालो दादा दिन अके के राति खान बारह बजे फोन कऊ और जन हसबैंड बहन बारह बजे रात के फोन कौन आ कहता अपना बेटी से आके मिल जा शेरिए तबियत तो खराब बाटे तो हम कहीं हमारे लगे तो गाड़ी सवारी नहीं कम के केहू के बोला के लेके हम नहीं तो हम आनी बजे उजी पहुँची हमार बाबू आ रहा गो गोपालगंज घूमे मेला ओन से हमारे दमादन एगो बेटी रही रह जानी बेटी गो मेला चार तीन जानी गई रह चार जानी तो हम कहीं कि ओन से ओन चल जा लनी हे से फोन आयल बा के अपना बेटी से भेंट क जाय तो हम अहू आब तन केहू के गाड़ी लेके हलूँ तब भग दिन के गाड़ी लेके हम गई दू बजे खनिया खनि तह ल कु मार के मूं दिलबर से दिन में के अब लोहा के कैमरी में बाहर से थोड़े थी हो अंदर से थोड़े बनब बा बाहर से बंद कैले रहूं सोन मार के दिनह मूह के आ सुता देल सन सोफा अथी पर पलंग पर हनी चर उचर सारा सामान दे दिले बानी बर्तन हावी जब जितना भाग गहना गुरियो उतना हम दे दिले बानी आ तब तो दहेज खतर हम बाबू के मुंगा बालू उन लड़की के परिवार में यानी जो उनकर जहाँ शादी को आदमी टोटल परिवार में रहना। और वो हुए परिवार में लड़का रहुए लड़का के भौजाई रहु और बहन बहनोई रहुए यानी पाँच आदमी हाँ पांच आदमी रहूँ आपके पाँचो आदमी मिल के बाहर बा, बा, बा। पाँचों आदमी मिलकर कह ला अरे कोनो घर में काम होता तो पाँचो आदमी ना मिल के निमन नार लाग रह आ कय रहित कि ना राय रहित हमार लोग अगल बगल हट के फोनों तक तो कैल रहती कि तारा बेटी के हेंगा कह बा तू अपना बेटी के आके बोला के ले जा चाहे असन हो रहा घर में तुम तो कहे के चाही भाऊ जाए के चाहे माई के बहन के तो आप सब देख सकता नहीं कि आ, समाज में जो इंसान बैठल वालो दानव रूपी मानव उ कितना बड़ा दुश्मन हो गए बलो समाज खातिर कि दहेज खातिर निर्दोष लड़की के जौन बा जान ले लेता लो नीतीश कुमार जी तमाम तरह के योजना चला बनी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम तरह के योजना चला मनी कि दहेज मुक्त अपना देश के बनाव के बाद शिक्षा देवे के लेकिन दहेज के लोभी भी जौन इंसान बालो डेढ़ लाख रुपया और लेवे खातिर वो लड़की के जान ले है वो लड़की के का गलती बा तो अभी हमारे साथ सोनी कुमारी जौन कि मृतक बाड़ी उनकर बड़ बहन बड़ी इन भी शादी हो चुकल बा लेकिन काफी ज्यादा करीबी रही है दिन भर में कई बार इनका से बात होते सारा घटना के बारे में जहाँ तक हमको जानकारी इनका पता बा इस सारा घटना के बारे में हमको आपके नाम का पड़ी रीना देवी अच्छा कि आपके जो बहन रही है छोट बहन हाँ। के कैसे के का घटना हो गई उनका से तो बात होत लेकिन अच्छा से बात करत करते लेकिन जब बतन है तब कहियन रोहन हमरा के बोलाओ लो आ हमरा के हेंग हेंगे कह आ ताना मारी लो कि पैसा द पैसा द जा मांग अपना बहन अपना भा, भा, भाई बाप से आ ना तो हमरा कुछ द उ तो कहियन कि ठीक बटे तो पैसा वैसा सब चीज़ दिया पाँच लाख नगद मंगले मांगले पाँच लाख में साढ़े तीन लाख रुपया दिया अंगठी दियाल चैन दिया आ मोटरसाइकिल दियाल सब दिया दियाल फर्नीचर के पूरा ए टू पूरा जेड तक सामान दिया बटे आय तब लोग के इतना भी निर्दयी नहीं है के, के जान से मार दिले ब वालो गला घोट के थप्पड़ थप्पड़ उनका गाल में मार के पूरा चिन्हा उखड़ गई बटे आुर के इतना सजा उनका के पलंग पर अच्छा से सुता दिहल बटे के गई से हनिक देख सन घर में कोई ना रहुए रहें बाकी दरवाजा ऐसे ही खुला रहुए खुलें उन्क, के कहीं सन तो तुढ़ियो आई बुढ़ियो कहत रही कि जब के कुछ नहीं खी सको पुलिस लोग आई हुए लोग

होत होता था उसमें होते लेकिन बहुत दिक्कत में रहती है रोत रही है जब फोन करें तब रोईन हस्बैंड बहुत मारत मार के ऊपर से बहुत हमको दिक्कत करता लो सबसे ज़्यादा पैसा खाती दहेज खाती खातिर तोर माय बाप का दिले ब अपना hmm. माय बाप से पैसा मांग वही खातिर मारीी लो तोर माय बाप का दिले बा। hmm. दीदी कहत हैं जै मम्मी हमें बोला लो तो हम सब कहीं सर हाँ तू चुपचाप रहा हमने कल परसों में गाड़ी भेज ते दशहरा ती पिछ पितर पर चढ़ल बाटे पितर पी, पर बीत जाई तो हम तुम्हें बुला लेम सो तो उ मम्मी तम्मी हम लोग बोला हम ठीक बा दो दिन में बुला ले तन तो तू चुपचाप रह गाड़ी हम लेके लेके आएम तो रात भर में ही कांड हो गए प्रेग्नेंट भी रही है। हाँ चार महीना के उनका पेट में बच्चा भी रहो पाँचों महीना चलत रानी यानी मिला जिला अभी शादी के मात्र पाँच महीना पाँच महीना में सब घटना हो गई हाँ पाँच महीना में सब घटना भी हो गई हम सबके कुछ ना चाहिए अब उनका बस एक सिर्फ हर फांसी चाहिए उनकर फांसी लगे के चाहिए इतना बड़ा हत्याकांड भय बटे हमारे दीदी के बहुत तरफ तरफ के घुट घुट के मरल बारी एक सिर्फ़ डेढ़ लाख के दहेज खाती हर बस फांसी चाहिए लड़का के फांसी चाहिए और कुछ ना आप लोग इन्हें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि जिला के तमाम प्रशासन तक तमाम लोग तक ये वीडियो पहुँचे जल्दी से जल्दी वो आदमी को गिरफ्तार करके और लोग से कड़ी से कड़ी सजा दिया जाओ ताकि फ्यूचर में यानी आवे वाला समय में ये प्रकार के घटना से जिला के और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे